जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास है जो कि जीरो टू हीरो में है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा नया टॉपिक रहेगा। तो नए टॉपिक से हम कंटिन्यू करते हैं। पहला टाइप है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। याद रखिए, पहले छोटे छोटे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखने चाहिए हमें। कई बच्चे ये नहीं समझते हैं, 2/3 लिखा है, इसको ही बेटा जी हम 2:3 लिख सकते हैं। एक बात ये याद रखिए, और रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पिज्जा है इसका मैं आधा भाग खा लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि इसके टोटल भाग जो वो नीचे आएगा, और मैंने ये एक भाग खा लिया इसलिए 1/2 होगा। तो इसका एक भाग खा लिया तो 1/2 हो जाता है, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपने पिज्जा है और उसके चार हिस्से हैं और उसमें से एक स्लाइस आप खा लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने क्या एक खाया, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप बोलोगे 1/4 भाग, कि टोटल भागों का एक हिस्सा खा लिया मैंने, ठीक है। अगर हम तीन हिस्से खा जाएं तो हम क्या बोलेंगे, 3/4, क्या बोलते हैं, 5/4। इसी को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/4। बात एक ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा क्वेश्चन ये है। इसके बीच में ये चार डॉट भी यूज किए हैं, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, समानुपात प्रोपोर्शन, यानी कि 3/5 समानुपात, मतलब इक्वल टू 21/ क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह एक्स मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और उठा करके आंसर निकालिए। देखिए, तो इससे मल्टीप्लाई किया, अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 105, डी से डिवाइड कर देंगे 105 को, तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 35। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.2/3.5, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है बच्चों, इसलिए इक्वल टू, इसको क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेंगे, ओवर 14। पॉइंट हटा दीजिए, 12/ नीचे हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 35 पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10, एक्स ओवर 40, 10 से 10 गया, आराम से समझिएगा, कोई इशू नहीं है। 12/35 = x/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 × 14/35 = x, आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे। इसके बाद आपने 12 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 160/35 = x। ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, कई बार अगर ये ऑप्शन ना मिले तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहे तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, 4.8, दोनों ही आंसर उठेंगे, दोनों ही आंसर माने जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा।
ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपने करना है, तो फटाफट आप ट्राई करिएगा साथ साथ में। पहले आंसर कौन देता है, आप समझ दिया है आपने तो फटाफट आंसर दीजिए, आपके लिए समय है, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो बच्चों, जल्दी से। इसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है, सोल्यूशन साथ साथ में ही मिलेगा। आप अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट करते रहिएगा, और मैं सभी को बोलूंगा चैट बॉक्स में भी अपना आंसर साथ में डालिएगा बच्चों, चैट बॉक्स में। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देता है, बहुत से अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, 4.5 क्वेश्चन मार्क है तो अपॉन एक्स इक्वल टू 9/2.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4.5 × 2.6/9 = x, 45/ हटा दिया है 10 लग गया, मल्टीप्लाई 9 = 26 और इसका भी आ गया 10। 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 40, 9 से 9 किया 2 = 2, 2 = 6, 13/10 लेफ्ट बच गया है, 1.3 भी आंसर चलेगा, ऑप्शन पे डिपेंड रहता है, 10 = 10 और 10 + 3 = 13, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ऑप्शन पे रहता है ये क्वेश्चन, तो आंसर आपका ये 10 किससे कट जाएगा बेटा, 2 कहां पर बचा है, 2 तो है ही नहीं, 13 बचा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करिए, x/9 = 1/4.5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9/4.5, पॉइंट हटाया तो 10/4.5, पॉइंट हट चुका है इसलिए पॉइंट की जगह हटा दिया मैंने, 9 × 9 = 9, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो ऐसे समझो, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड को जो है आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, और कर दिया तो डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं, म्यूट कर लीजिएगा मैडम जी, x/4.5 = 9 × 1, तो यूं करके भी एक ही बात होती है बच्चों, इक्वेशन बन जाती है और इसके आगे सेम सॉल्व करने का है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी एक मेथड चलेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, 9/25 का मध्य अनुपात या मिडल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मिडल प्रोपोर्शन, फाइंड द रेशियो लिखा है, मिडल लिख लीजिएगा की जगह पे, यहां पे क्या लिखना है आपने, मिडल, मिडल रेशियो बोल सकते हो आप, ठीक है, या मिडल प्रोपोर्शन बोल, वो निकालना है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट ए बी, यानी कि ए आपका 9 है और बी आपका 25 है, ए की वैल्यू होगी आपकी 9 × 25, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का यानी कि 5, आंसर इज 3। मिडल प्रोपोर्शन निकालने का ये आपने फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न रखना, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ये वाला टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12/30 का तृतीय प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब बोल रहा क्या हूं, 1:2 प्रोपोर्शन
थ्री रेशो एक्स, ये फर्स्ट आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये चीज प्रोपोर्शन है जो ये बार बार मिस कर रहे हैं। निकालो जी, कहीं पहले ये दोनों पूछ लिए तो हमने बीच वाला निकाला, अब ये दोनों दिए तो थर्ड पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो पेपर में, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। मेन दिक्कत वाली बात तब होगी जब हमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपने बस दिमाग में बिठा लिए क्वेश्चन तो परफेक्टली आ जाएंगे। तो मैं आपको इसके लिए ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस का तरीका ही बता दे रहा हूं। थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड रेशियो पूछी हो तब आपने याद रखिए कि ये फिर से ए और बी ही मान लेने हैं। आपने क्या मान लेने, ए और बी। तो इसका फॉर्मूला आप थर्ड प्रोपोर्शन का रखिए, बी स्क्वेयर ओवर ए। क्या रखना है, बी स्क्वेयर ओवर ए। बी मतलब 330 का स्क्वेयर, 30 का स्क्वेयर ओवर 12, 30 30 जा कितने हो गए 900 होते हैं, ओवर 12, 34 जा 12, 33 जा 9, 4 से चले जाएगा 7, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी कि 75 जो है वो इसका सही है। 75 इसका थर्ड रेशियो जो है वो निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपाती। मैंने आपको बारी बारी सारे ही प्रपोर्शन सिखा दूंगा। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो फोर्थ निकालने के लिए तीन वैल्यू आपके पास गिवन होंगी, ये ए होगा, ये एक बी होगा, एक सी होगा। फोर्थ के केस का फॉर्मूला आपने याद रखना है बी सी ओवर ए। क्या याद रखना है, बी सी ओवर ए। तो बी की वैल्यू आपकी 5 आ गई, सी की वैल्यू 21 और ए की वैल्यू 6। बस पुट करिए, सॉल्व करिए, ठा करके आंसर लाइए। 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 7 5 जा 35 ओवर 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम अनुपाती क्या थे, ये देखिए फर्स्ट रेशियो पूछी है, इसमें भी तीन ही वैल्यू दी होंगी बच्चों। तो आपको फर्स्ट के केस में आ गया ये ए, ये बी और ये सी। फर्स्ट के केस के लिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि ए बी ओवर सी। क्या है फर्स्ट रेशियो का फॉर्मूला, ए बी ओवर सी। बुक्स में नहीं मिलेगा ये, पर मैं डायरेक्ट बस इसलिए सिखा रहा हूं, एक बार दिमाग में बैठ गया तो ओवर एंड आउट, क्वेश्चन क्लियर। तो ए बी की वैल्यू 8 × 5, सी की वैल्यू 2.5 नीचे आ जाएगा। 8 × 5 ओवर, पॉइंट हटा दीजिए बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा 10। 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 8 × 2 = 16। 8 × 2 = 16। तो ये था हमारा रेशो से का अनुपातों का जो है फाइंड करने का। इसी प्रकार से बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नई क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।